जोधपुर यूनिवर्सिटी में हुए गैंगरेप मामले में दोषियों को जल्द फांसी की सजा देने की मांग को लेकर जालौर जिले के रानीवाड़ा में सात्र नेता जितेंद्र सिंह के नेतृत्व में सात्रों ने महामहिम राज्यपाल के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान नेता जितेंद्र सिंह ने गैंगरेप प्रकरण के दोषियों को जल्द फांसी की सजा दिलवाने के अलावा विश्वविद्यालयों व महाविद्यालयों में बालिकाओं को सुरक्षा देने के लिए कड़े कानून बनाने की मांग की। जय नारायण विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी में एक छात्रा के साथ गैंगरेप की घटना हुई जो कि निंदनीय है, और हम तमाम जो छात्र शक्ति है उन्होंने यही मांग रखी कि जो दोषी है उनको जल्द से जल्द फांसी की सजा हो और उस पीड़ित बहना को न्याय हो, क्योंकि ये घटना आज तो यूनिवर्सिटी में हुई है लेकिन कल हमारे यहाँ रानीवाड़ा में भी हमारे भी कॉलेज में बॉयज़ से ज़्यादा गर्ल्स हैं, यानी कि छात्राएँ यहाँ पढ़ाई के मामले में अधिक हैं, तो कल यहाँ भी ये घटना हो सकती है। तो हम सरकार से ये निवेदन करते हैं कि वो कब तक सोती रहेगी, अब उसको जागना होगा। अगर अभी वहाँ बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में ये घटनाएं हो रही है, कल ये हमारे यहाँ छोटे छोटे क्षेत्रों में होगी और फिर ये एक भयावह रूप ले लेगा, और ये कब तक होगा ये हम सबको एक चिंतन का विषय है और इस पर विचार विमर्श करना चाहिए। और सरकार को जो भी हमारी बहनें पढ़ाई करती हैं वो चाहे महाविद्यालय में हो या विद्यालय में हो, उनके लिए सुरक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए, और जो दोषी हो उनके लिए कड़ी से कड़ी सजा हो, और वो भी ऐसा नहीं कि घटना आज घटित हुई है और उसकी सजा है उन्हें 2 या 5 साल बाद हो, नहीं, हाथों हाथ हो उसी समय हो, ताकि ये जो गैंगरेप की घटनाएं दिन ब दिन बढ़ रही है उसमें सुधार हो, वरना ये घटनाएं दिन ब दिन भयावह रूप ले रही हैं और आगे इसका परिणाम बहुत बुरा होगा। और हम तमाम युवा शक्ति आज मिलकर इसी विषय में हमने ये SDM महोदय को और तहसीलदार साहब को ये ज्ञापन सौंपा है ताकि ये घटनाएं कम हो। कुल इस घटना की हम सभी विद्यार्थी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं एवं सरकार से वही मांग कि आखिर आज ये घटनाएं हो क्यों रही है, और आज जैसा कि शिक्षा के मंदिरों में ये ऐसी घटनाएं हो रही है तो साहब ये हम सबके लिए एक शर्मनाक विषय है, एवं सरकार से जैसा कि भाई जितेंद्र सिंह ने मांग की वही मांग है कि हर महाविद्यालय परिसर में एक पुलिस जाब्ता करके हमारी बहनों के लिए एक सुरक्षा तैनात की जाए, एक जाब्ता तैनात किया जाए, ताकि ये जो भी है ये दुष्कर्मी, मैं इन्हें असामाजिक तत्व कहकर संबोधित करूँगा, इन सब की जो ये हिम्मतें हो रही हैं इन पर कहीं ना कहीं लगाम लगे, एवं सरकार से निवेदन करूँगा कृपा करके होश में आएँ। बार बार ये जो ये अत्याचार हो रहे हैं हमारी बहनों पर ये युवा पीढ़ी कतई सहन नहीं करेगी। जो बात कही है उनकी बातों से मैं सहमत हूँ। उन्होंने कहा कि जो आज ये घटना हुई है जोधपुर में हुई है बड़े विश्वविद्यालय में, हम ये भी चाहते हैं कि ये हमारे यहाँ पे भी ऐसा ना हो, इसलिए हमने आज यहाँ पे तहसीलदार साहब को ज्ञापन दिया और उसमें उनकी मांग की है कि इनके दोषियों पे, जो कि आज एक असामाजिक तत्व के रूप में जाने जाते हैं, इन आरोपियों को कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, और उनको बहुत ही मतलब ये जो घटना हुई है बहुत निंदनीय है, आज पूरे राजस्थान को शर्मसार करने वाली ये घटना है, इसलिए हम राष्ट्रीय जो एक सरकार सो रही है उनको हम जगाने की मांग करते हैं और इन आरोपियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग करते हैं।